सब ने मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी बात लिखी। मेरे उस्ताद गिरामी यहाँ फरमाया करते थे, भाई अगर तू दुनिया में अपने बेटे को धूप में बैठा देखे तो तेरा दिल फट जाता है। ये धूप में क्यों बैठा है, इसको शिर्क से बचा, शिर्क अकबर से भी बचा, असगर से भी बचा, खफी और जली दोनों किस्म के शिर्क से बचा। दुनिया में तेरा बेटा धूप में हो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बता अगर तेरा बेटा जहन्नम में गया तो तुझे कैसे बर्दाश्त होगा, आग में जलता हुआ तुझे। इसे अल्लाह से जोड़ दे, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दे। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद लेके जा, 3 साल तक लेके जा मस्जिद, 10 साल का नमाज ना पढ़े तो सजा दे, 3 साल तक खुद अपने हाथों से ट्रेनिंग दे, उसे मस्जिद ले जा, आदाबे मस्जिद बता, उसे नमाज सिखा, तू खुद ले करके जा, भेजने का नहीं कहा। फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद, बड़ी मेहनत करते हैं हम बेटे को बंगला देने के लिए, बैंक बैलेंस देने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, खुदारा से नमाजी बनाने की भी मेहनत करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशेखर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मा कहती हैं, जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो, ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना मेरे अल्लाह, इस तरह की मुझे औलाद देना कि दूध वो मेरी छाती से पिए पर शुक्र तेरा अदा करे, ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना कि कुव्वत रोटी रोजी वो जमीन पे खाए लेकिन इसी जमीन पर वो तेरे दीन का सिपाही भी बने, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी बने। हजरत बाबा साहब कहते हैं मुझे शक्कर पसंद थी, अम्मा बड़े जतन करती है बेटे के लिए, बड़ा कुछ करती है, ओ बेटे रोटी टाइम पे खाना फुला का, कहते मुझे शक्कर पसंद थी, मेरी अम्मा सर्दियों के ठंडे मौसम में उठ के मेरे लिए पानी भी गर्म करती, मुसल्ला भी बिछाती और फिर एक पुड़िया शक्कर की बना के मेरे मुसल्ले के नीचे भी रखती, कहती बेटा नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता है। आप फरमाते हैं मैं रोज नमाज की 5ों नमाजों के वक्त मुसल्ला उठाता तो पुड़िया शक्कर की मिलती, स्कूल और मदरसे के मैं अपने क्लास फेलों को भी कहता नमाज पढ़ो बड़ी प्यारी शक्कर मिलती है, कहते मैं रोज शक्कर खाता। एक सवेरे फजर की नमाज में अम्मा ने वजू तो कराया मुसल्ला भी बिछाया, पर देहात की वो सादी बीवी जिसका सारा काम ही खुलूस पे मबनी था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई तो नहीं थी लेकिन आदाबे ममता उसे सारे आते थे, जो किसी यूनिवर्सिटी की सनद याफ्ता तो नहीं थी लेकिन बेटे के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना ये सारा उसे पता था, कहते हैं सादी अम्मा ने सारे काम किए लेकिन शक्कर रखना भूल गई। बाबा साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा तो माँ ने यह भी बताया था कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, नमाजी के आगे नहीं होते, अब अम्मा कहती है मैं मजबूर हूँ दर्स भी मैंने दिया है, भूल गई हूँ, अब शक्कर रखने जाऊंगी तो पर्दा खुल जाएगा। एक कोने में लग के माँ रोई, बेटे की शिफा के लिए नहीं, बेटे की नौकरी के लिए नहीं, बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नहीं, माँ रोई आंसू बहे तो कहती क्या है, ऐ अल्लाह मैं इसे अपने आगे झुकाने को जतन थोड़ी करती थी, तेरा बनाने के जतन करती थी, ए अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरी पर्देदारी कर, अगर राज खुल गया तो मेरा फरीद नमाज ना छोड़ जाए। बाबा साहब कहते हैं अम्मा तड़पती रही और मैंने नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाया, पहले पुड़िया होती थी अब तो पूरा दरिया शकर का बह रहा है। फरमाते हैं मैंने वो उठाई शकर खाई और मैंने चीख के कामा जल्दी आ, आज बड़ी लजीज है, आज शकर कोई अनोखी है और आज तो कमाल शकर दी है मेरे अल्लाह ने, एक पुड़िया की जगह पूरा दरिया बह रहा है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मा आई और मेरी अम्मा ने बाजू खोले तो माँ की ममता ही बताती है कि अल्लाह की रहमत किस तरह की होती है, कहते मैंने अम्मा के सीने से लगा तो अम्मा रो के कहने लगी बेटे पहले मैं शक्कर देती थी आज शक्कर बनाने वाले ने शक्कर अता फरमाई है। सारी जिंदगी पेशानी से सजदे का नूर नहीं गया, सारी जिंदगी वो लज्जत इबादत नहीं गई, इसलिए कि उस्ताद ने डंडे से नमाजी नहीं बनाया था, इसलिए कि पीर साहब ने यह कह के नमाजी नहीं बनाया था कि नमाज पढ़ोगे तो रोटी में बरकत हो जाएगी, इसलिए कि अल्लामा साहब का वो वाज सुन के हम नमाजी नहीं बने थे कि जिस नमाज में बताया जाता है कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी नमाज पढ़ने से, अम्मा ने रब से जोड़ने के लिए नमाजी बनाया था। सारी जिंदगी बाबा साहब कहते रहे उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, चल हुन उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, ओ तू सुते रब जागदा,
तेरी डाढ़े नाल परीत, सारी जिंदगी नमाज का, नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप की। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबवी में वो हदीस के उस्ताद रहे, हजरत रबिया बिन अब्दुल रहमान नबी पाक की मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हुए, और हजरत हसन बसरी जो जनाब अली के शागिर्द हैं वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हुए, हजरत इमाम मालिक जो 70 साल तक मदीना और मक्का में हदीस पढ़ाते रहे वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम था अब्दुल रहमान फरोख। तारीख बगदाद में लिखा है कि बनू उमैया के दौर में ताबीन के जमाने में जनाब अब्दुल रहमान बिन फरोख घर से चले गए, एक रवायत है बच्चा छोटा था, एक रवायत है बच्चा अभी माँ के पेट में था, जिहाद करने चले गए। उस दौर में ये जिहाद होता था कि एक इलाका फतह किया तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए, अगला फतह किया तो अगले इलाके, एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे। हजरत अब्दुल रहमान गए 30,000 दिनार बीवी को दे गए, कहने लगे संभाल के रखना, और जिहाद करने निकले तो 27 साल तक घर ही नहीं आए, और 27 साल के बाद आए तो हजरत रबिया मुहद्दिस बन चुके हैं, मस्जिद नबी में हदीस के उस्ताद हैं, बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया। वापस आए हाथ में नेजा है, काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई, वजूद बड़ा तगड़ा था, कमजोरी आ गई, आए नेजा पकड़ा हुआ घोड़े पे बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में घर है, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत रबिया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होने लगे तो कहने लगे बाबा तू किधर घुसता आ रहा है, किधर, उसने कहा तू पीछे हट, तू मेरे मकान पे कब से कब्जा करके बैठा है। बात तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से जौजा ने सुन लिया, वो दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई, कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं है, तेरे वालिद गिरामी है, ये तेरे वालिद है। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए, 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए, नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए, जनाबे अब्दुल रहमान फरोख ने अभी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है, ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था वो किधर है, तो सौजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ फिर बताती हूँ पैसे कहाँ है, आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है, घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर, पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं, आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं, इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समात कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया, एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया, ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है। तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन, तो कहने लगे कोई अब्दुल रहमान फरोख नाम के बुजुर्ग हैं, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए, मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए, मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं मैं अगर अल्लाह के दीन के रस्ते में था तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रस्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा उन लोगों ने अपनी औलाद।